आज रथ यात्रा के अवसर पर गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं के लिए छत्तीसगढ़ उत्कल गांडा समाज महिला मंच की अध्यक्ष सावित्री जगत द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा नेता संजय श्रीवास्तव, छगन मुंडा, राजकुमार राठी, राजेश गुप्ता, हार्दिक सिंघवी शामिल हुए। आज महाप्रभु भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है। मैं समझता हूँ सिर्फ उड़ीसा नहीं, ये त्यौहार पूरे देश में पूरे विश्व मनाया जाता है। राजधानी रायपुर में भी सब जगह आयोजन हो रहा है और यहाँ पर आप देख रहे हैं खमाड़ी थाने के सामने में हमारी सावित्री जगत जी जो प्रदेश अध्यक्ष है गांडा समाज की, उनके द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। और मैं समझता हूँ समाज सेवा का जितना भी काम है और जो हमारी बहनें हैं उनको स्वावलंबी बनाने के लिए सावित्री जगत जी बहुत अच्छा काम कर रही है। आपके माध्यम से मैं प्रदेश की जनता को जगन्नाथ रथ यात्रा की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में बारिश नहीं है, तो रथ यात्रा जब भगवान की प्रारंभ आज होगी तो भगवान बारिश भी, मैं समझता हूँ बारिश भी होगी, क्योंकि आज किसानों को फसल लगाने के लिए और देश के जो हमारे प्रदेश के नागरिक हैं गर्मी से राहत नहीं मिल रही है और फसल लगाने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। तो जगन्नाथ प्रभु अपने साथ साथ इंद्रदेव को भी लेकर आएंगे। आपके माध्यम से मैं छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। रथ यात्रा के माध्यम से भगवान जगन्नाथ सबकी मनोकामना को पूरी करें। इस विशाल भंडारे में आप देख रहे हैं पूरा विशाल जनसमूह उमड़ा है और लगातार सेवा का काम सावित्री जगत जी कर रही है। मैं उनको भी आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आज हम सब छत्तीसगढ़ और साथ ही उड़ीसा प्रांत भारत देश और दुनिया के लिए बहुत ही प्रसन्नता का अवसर है कि आज भगवान जगन्नाथ जी की शोभा यात्रा रथ यात्रा का आयोजन पूरे दुनिया के अंदर में बड़े उत्साह के साथ में मना रहा है। ये त्यौहार केवल उड़ीसा के प्रांत लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरा भारत देश के लोगों के लिए है और बड़े उत्साह के साथ में हम सब लोग इस त्यौहार को मना रहे हैं। आज रथ यात्रा के माध्यम से भगवान जगन्नाथ जी, बालभद्र जी, सुभद्रा जी आज विश्राम के लिए जाएंगे और 8 दिन बाद फिर पुनः उनकी वापसी होगी। ऐसे अवसर पर यह माना जाता है कि आज का दिन हमारे संत समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए बड़ा एक महत्व का दिन होता है, बड़ा शुभ दिन होता है। आज के इस अवसर पर मैं भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो, उत्कल वासियों को प्राप्त हो, देश के लोगों को प्राप्त हो और हमारे छत्तीसगढ़ पर भी भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। ये कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ जी का जब आशीर्वाद होता है तो अच्छी वर्षा होती है, अच्छी बरसात होती है, जिससे किसानों को भी लाभ प्राप्त होता है, वो भी अच्छी फसल लेते हैं। तो यही प्रार्थना है कि किसानों की समृद्धि के लिए, लोगों की समृद्धि के लिए भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद हो और जमकर बादल गरजे और जमकर पानी बरसा हो। आज के इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को, उत्कल समाज को मेरी ओर से इस रथ यात्रा की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज़ अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।